जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक बार फिर से बात करने वाले हैं टापारिया टूल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, वीडियो में शुरू करने से पहले ही मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनके पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं है और जिसके पास कंपनी के शेयर्स, दोनों ही व्यक्ति के लिए इस कंपनी के मैं जो अध्ययन कर रहा हूँ, यह आप वीडियो देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं इस कंपनी को लेकर वो ये कि जिसके पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं है वो कैसे बाई कर सकता है, क्योंकि इजिली ये बाई होता नहीं, क्योंकि शेयर्स इजिली अवेलेबल नहीं होते मार्केट में सेल करने के लिए। जिसके पास शेयर्स है वो बेचना नहीं चाहता है, तो इस मुद्दे पर तो बात होगी ही। साथ में यह भी बताऊंगा कि जो एक मेजर अफवाह है कि कंपनी के जो बहुत सारे शेयर्स हैं इस कंपनी के रिश्तेदारों के पास है, तो ऐसा 100% सही नहीं है। मैं इसका आपको उदाहरण के साथ बताऊंगा कि पूरा क्या इशू है और जिसके पास शेयर्स हैं पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स ले लेते हैं और फिर आगे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। यहाँ पे रिटर्न्स की शुरू में देख लें टापारिया टूल्स के बारे में, क्योंकि रिटर्न्स ही एक ऐसा चीज है जो इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करता है, उत्साहन देता है। 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे, तकरीबन 100% का रिटर्न है, यानी कि तकरीबन 6 मंथ में ही पैसा आपका डबल हो गया है। मैं मार्च अप्रैल से इस स्टॉक को फॉलो कर रहा हूँ, तब से इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपए के आसपास हुआ करता था, 3 रुपए से देखिए प्राइस बढ़ के 6-7 रुपए के आसपास हो गया है, यानी कि लगभग डबल हो ही गया है 6 मंथ में। और यदि पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में तकरीबन 146%, यानी कि इसको 150% मान लीजिए, तकरीबन डेढ़ आपके पैसे को 2.5 गुना कर दिया है। आपके पैसे को मान लीजिए कोई व्यक्ति एक साल पहले इसमें 1 लाख रुपया लगाया होता, हालांकि ऐसा नहीं है कि अब बहुत से लोग कहेंगे 1 लाख रुपया कौन लगाता है, लेकिन पेनी स्टॉक में भी 1 लाख लगाने वाले लोग हैं, लोग लगाए भी हैं इसमें, तो उनका पैसा तकरीबन 2.5 गुना यानी कि 2.5 लाख रुपए बन गया होगा। देखिए टापारिया टूल्स लिमिटेड कंपनी के सबसे पहले हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर चलते हैं, वहां पे मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं इनकी हिस्सेदारी पिछले कुछ समय में लगातार कंटिन्यू बनी हुई रह रही है, तकरीबन 70% के आसपास इसमें हिस्सेदारी है। मार्केट में यदि टापारिया टूल्स के शेयर्स की बात करेंगे तकरीबन 30.5 लाख के आसपास शेयर्स ओवरऑल मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 20 से 21 लाख शेयर्स ही इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास ही, यानी कि तकरीबन 70% शेयर्स, और बाकी के जो शेयर्स हैं तकरीबन 30% शेयर्स, यानी कि तकरीबन इसमें से 9 लाख जो शेयर्स हैं वो 9-10 लाख शेयर्स आम पब्लिक के पास है। तो 9 लाख शेयर्स यदि आम पब्लिक के पास है तो ये तो कम तो है नहीं, और 9 लाख शेयर्स किसी एक व्यक्ति के पास होगा नहीं, अलग अलग जो आम आदमी है उनके पास होगा अलग अलग शेयर, किसी के पास 10 शेयर्स होंगे, किसी के पास 100 शेयर्स होंगे, तो ऐसे मिला के 9 लाख शेयर्स है। तो ये 9 लाख शेयर्स लोगों को कैसे मिले, लोगों ने बाई किया होगा, बाई करने का कोई अप्रोच लगाया होगा, किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करके बाई किया होगा, तभी तो 9 लाख शेयर्स आम पब्लिक को मिले हैं। यदि ये बात सही होती कि पूरा के पूरा शेयर्स कंपनी के जो फैमिली मेंबर्स हैं, कंपनी के जो रिश्तेदार हैं उनके पास है, तब तो ये जो 9 लाख शेयर्स आप देख रहे हैं ये जो आम आदमी पास है ये आम आदमी पास नहीं होता। इन लोगों ने कुछ अलग सोचा, कुछ अलग तरकीब लगाए, तब इनके पास शेयर्स इस कंपनी के शेयर्स मिले। तो आपको भी यदि कंपनी के शेयर्स नहीं मिल रहे हैं कुछ अलग सोचना होगा, मैं उपाय बताऊंगा आप ऐसा उपाय कर सकते हैं। तो ये जो मेजर एक कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सारा का सारा शेयर्स इस कंपनी के प्रमोटर से के पास है, ऐसा सही नहीं है। अब देखिए, जिसके पास सभी इस कंपनी के शेयर्स हैं उन्हें एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट इस स्टॉक में हो रहा होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करते हुए चलिएगा, और प्रॉफिट आप पैसा कमा रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है। इंजीनियरिंग के सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी है और काफी शानदार काम करता है, टूल्स बनाता है, जैसे तमाम तरह के टूल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह के टूल्स बनाता है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि इस तरह के कामकाज करने वाली कंपनी अभी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत कम है, हालांकि जिस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा है मार्केट कैप अब बढ़ेगा और बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा। स्टॉक का जो रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं 32% के आसपास है, सामान्यतः पेनी स्टॉक में रिटर्न ऑन इक्विटी इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इस स्टॉक का है क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस कंटिन्यूअस बेसिस पे ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे आप चार्ट पर भी देख सकते हैं, एक्सेल का चार्ट मैंने ओपन किया, जहां से आप देखेंगे प्राइस ऊपर की तरफ ही आपको जाते हुए दिखेगा। किसी ने किसी भी लेवल पे इस कंपनी के शेयर प्राइस को बाय किया हो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, और आगे भी इसमें प्रॉफिट होते रहने के चांसेस हैं, क्योंकि कंपनी के जब क्वार्टर्स का आप नंबर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो सेल्स है कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको ग्रो करते हुए दिखेगा। यानी कि कंपनी का जो काम धाम है, जिसमें बताया कि इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है और टूल्स वगैरह बनाने का काम करती है, तो इस तरह के बहुत कम कंपनियां मिलेगी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीटर कम है तो आपके जो शेयर प्राइस है उसमें ग्रोथ आएगी ही लॉन्ग टर्म में। और सिर्फ यहाँ पे मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्स बढ़ने के साथ साथ जब आप देखेंगे कंपनी के प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे बढ़ते हुए ही दिखेगा। यहाँ से आप यहाँ तक देख सकते हैं जो जून क्वार्टर रिजल्ट है उसमें भी अच्छा खासा कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, और कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है इसी वजह से जो इस कंपनी का जब बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें देखने को मिलेगा आपको ये कंपनी डेब्ट में नहीं है, लगभग डेब्ट फ्री कंपनी, एकदम जीरो डेब्ट है, और कंपनी का जो रिजर्व पैसा है जो फ्री कैश फ्लो है वो सिर्फ 300 करोड़ के आसपास, यानी कि बहुत अच्छा है, डिसेंट कैश फ्लो है इस कंपनी के पास, पूरे वक्त में कंपनी सस्टेन कर सकती है। अब बात करते हैं ओवरऑल
टापारिया टूल्स कंपनी के शेयर्स आप बाई कैसे कर सकते हैं यदि आपके पास इस कंपनी के शेयर्स नहीं है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि शेयर्स को बाई करने के दो तरीके होते हैं। एक आप प्राइमरी मार्केट से शेयर्स को बाई करते हैं और एक सेकेंडरी मार्केट से। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट ये क्या चीज होते हैं? सेकेंडरी मार्केट जो BSE NSE पर शेयर लिस्टेड है, आईपीओ आने के बाद जो लिस्ट हो जाते हैं तो सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट यानी कि जब आईपीओ नहीं आया है और आईपीओ से पहले जिस मार्केट में कंपनी के शेयर्स की खरीद फरोख्त की जाती है उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पे आप अप्रोच लगा सकते हैं इस कंपनी के शेयर्स को बाई करने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो कंपनी मतलब सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो गई वो प्राइमरी मार्केट में नहीं मिलेगी, तब भी मिलेगी। तो यहाँ पर भी इस कंपनी का शेयर्स मिल सकता है। आपको अप्रोच लगाना है, किसी अलग अलग वेबसाइट आते हैं और वेबसाइट के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप इस कंपनी के अन्य जो शेयर्स अभी मार्केट में लिस्ट नहीं हुए उस कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ वेबसाइट के नाम बता देता हूँ आपको। एक स्टेक हब करके नाम आता है, स्टेक हब वेबसाइट है। ये अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उसको बेचने का मतलब इस प्लेटफॉर्म इस वेबसाइट के थ्रू आप अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर्स हैं उसको बाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्टॉकिफाई करके वेबसाइट है, स्टॉकिफाई का भी पता कर सकते हैं। यहाँ से भी आप अनलिस्टेड मार्केट में या अनलिस्टेड मार्केट से या आपको सेकेंडरी मार्केट में जब शेयर्स नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ से इस कंपनियों के शेयर्स को बाई कर सकते हैं। और भी तमाम तरीके हैं बाई करने के। अब आपको अप्रोच लगाना होगा, आपको बाई करना है तो इसके बारे में खोज और जांच पड़ताल करनी होगी और वहाँ से आप इस कंपनी के शेयर्स को बाई कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से करके इस कंपनी के शेयर्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, काफ़ी जरूरी चीज़ है। बाकी इससे रिलेटेड मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम पर भी जुड़कर बातें कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।